हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका कोच आपके सामने हाजिर फिर से नई वीडियो साथ। दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए फिर से एक नेक्स्ट थ्योरम जिसका नाम है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और अब तक की वीडियो में हमने आपको काफी कुछ सॉल्यूशन दे दिया है इसका थ्योरम टाइप में, तो मुझे उम्मीद है वो आपने कर लिया होगा। तो दोस्तों विलंब ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हमें इसका स्टेटमेंट लिखना है और स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल सिंपल वाला है जो कि पहले की हमने एक थ्योरम आपको बता दी कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला एफ ए के लिए, तो वही है। इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले थ्योरम का नाम है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव ये थ्योरम है और ये फॉर्मूला है। दोस्तों ये कहने की जरूरत तो है नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है और आप ये भी कहते होंगे ये बोला सर तो हर चीज़ पर इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ही इसलिए पार्ट करा रहे हैं कि ये थ्योरम तो आपको सारे के सारे करने ही हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, क्वेश्चन जो आएगा दोस्तों वो आपके लिए ऐसा आएगा कि स्टेट एंड प्रूफ, क्वेश्चन इस टाइप में आएगा स्टेट एंड प्रूफ और पूरा लिखा हुआ होगा यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन लिखा हुआ होगा स्टेट एंड प्रूफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉचीज एपोस्ट्रोफी ऐसा यानी कॉची नाम है, इसे कॉचीज भी पढ़ते हैं दोस्तों, पढ़ने का तरीका है ठीक है, हम इसे कॉची पढ़ रहे हैं, सी ए यू सी एच वाई एस कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव राइट। ये कहा उसने कि स्टेट, स्टेट का मतलब है स्टेटमेंट क्या है और उस स्टेटमेंट को लिखने के बाद में उसको प्रूफ करके भी दिखाना है, तो स्टेट शॉर्ट करना है, स्टेटमेंट को स्टेट कहते हैं, स्टेट बताइए, तो इसका स्टेटमेंट हम लिखेंगे पूरा स्टेटमेंट। तो दोस्तों इसका स्टेटमेंट है इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर सी एंड स्मॉल ए बी एनी पॉइंट विद इन सी देन। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनता है दोस्तों ये वाला कि एफ डैश ए इज इक्वल टू वन अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। ये है दोस्तों, हमें इसको प्रूफ करके निकालना है ए पॉइंट के लिए कि इसका डेरिवेटिव जो है एफ डैश ए। और दोस्तों पीछे जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो खाली कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, अगर इतना हो फर्स्ट डेरिवेटिव ना हो तो वो ये था दोस्तों बस। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो दोस्तों उसको देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। ये है आप पिछली वीडियो में कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, ये होता है कि एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। लेकिन इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं यानी डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं यानी डैश लगाते हैं इसका, तो जितने टाइम्स डैश होता है दोस्तों, ये याद करने का तरीका है इसका थोड़ा सा, उसकी पावर इससे ज़्यादा है। अगर वन टाइम डैश है यानी फर्स्ट डेरिवेटिव है तो स्क्वायर आना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे यानी कि डबल डैश तो पावर 3 और यहाँ पर भी बनता रहेगा दोस्तों, फैक्टोरियल 1 है इस समय, 1 फैक्टोरियल है, इसे इंटू 1 भी लिख लिया हमने, तो आगे जाके इसको हम सीखेंगे एनएफ डेरिवेटिव जब निकालेंगे। तो फिलहाल इसको हमें प्रूफ करना है, इसको हम पूरे स्टेटमेंट को हमने आपको लिख के दिखा दिया, इसको पहले नोट करिए और नोट करने के बाद में फिर हम इसको पूरी स्क्रीन पर लेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी है। तो फॉर्मूला स्टेटमेंट आपको बता लीजिए इसको, तो दोस्तों इसका प्रूफ है, प्रूफ वही कि एक कोई क्लोज कर्व है, क्लोज कंटूर जिसे कहते हैं, ये हमने बनाया था पिछली बार, चारों तरफ से घिरा हुआ आकृति है, इसके अंदर ए पॉइंट था ये जिसको हमने क्या करा था सर्किल बना के और बाहर निकाल दिया था, ए पॉइंट था ये वाला, ये इस टाइप से गया और ऐसे होकर पार होकर तो ये क्लोज आकृति ऐसे बन गई थी, वही था ना। तो पहले लिखेंगे वी हैव
FZ is analytic and small a b any point within C, मतलब इसके अंदर कोई पॉइंट सी है, then by CAUCH by Cauchy's integral formula. तो Cauchy integral formula जो कि ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं by Cauchy integral formula, we know that WKT, we know that क्या FA is equal to 1 upon 2 pi I इंटीग्रल ओवर c fz upon z minus a into dz, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया से, ये हम जानते हैं। अब हमने वाले दोस्तों इस a पॉइंट का कोई पड़ोसी पॉइंट है a plus h, नाउ लेट a plus h बी द n e i g h B O U R neighborhood point of A, A का कोई पड़ोसी बिंदु है A plus H, then from first, तब इक्वेशन इस पॉइंट के लिए भी सेम ऐसी बनेगी, A पॉइंट के लिए यहां पर A आया था, ये आया, और A plus H पॉइंट के लिए यहां पर A plus H आ जाएगा, यहां पर A plus H आ जाएगा, तो then from first we get, तो दोस्तों वी गेट क्या, तो यानी ए की जगह ए प्लस एच इक्वेशन वन में रख दिया, तो क्या हम फाइंड करते हैं एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए था ना, तो ए प्लस एच रखा माइनस नहीं खोल दिया तो ए माइनस एच हो गया इंटू डी जेड, इसे क्वेश्चन नंबर हमने टू कह दिया राइट। अब दोस्तों हम डेरिवेटिव की परिभाषा हम जानते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए जो होता था वो होता था लिमिट s टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन एच, ये होता था ना, तो यही डेरिवेटिव यानी राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये प्लस होता था यहाँ पर, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस, यहाँ तो ऑलरेडी रहता ही है, तो ये फिलहाल r को हमने हटा दिया डेरिवेटिव के लिए, यानी कि ये वाली परिभाषा हमें बनानी है, ये कहना चाह रहे हैं हम। तो यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, तो नाउ फ्रॉम नाउ From 1 and 2, from 1 and 2, f a plus h minus f a is equal to 1 upon 2 pi I integral over c f z bahar 1 upon a plus h wali pehla aaya to yani z minus a minus h minus 1 upon z minus a ye bahar aa gaya और डी जेड ये आ गया, तो दोस्तों ये चल रहा हमारे पास 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एलसीएम ले लेंगे इसका एफ जेड एलसीएम आ गया इसका जेड माइनस ए माइनस का एच, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट इसके एलसीएम आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जेड माइनस ए माइनस जेड प्लस ए प्लस एच, तो ए से ए कैंसिल जेड से जेड कैंसिल बचा एच, दोस्तों h हम थ्रू आउट बिल्कुल नीचे ला रहे हैं एक स्टेप बच जाएगा क्योंकि हमें h इस एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन एच आना है, तो इसलिए इसको हम ले आए नीचे एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर c, ऊपर बचा हमारे पास एफ जेड, जो h बचा हम नीचे को ले आए, और z माइनस ए माइनस का h और z माइनस ए डी जेड राइट। डेरिवेटिव की परिभाषा लेने के लिए दोस्तों लिमिट चाहिए s टेंस टू जीरो, तो टेक इन लिमिट s टेंस टू जीरो इन बोथ साइड नेक्स्ट स्क्रीन से, तो दोस्तों लिखेंगे नाउ टेकिंग लिमिट s टेंस टू जीरो इन बोथ साइड्स, दोनों ओवर ये लिमिट लेने पर इट कम्स लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन एच एज इट इज,
दोस्तों जैसे लिमिट एस टेंस टू जीरो यहाँ लेंगे तो डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख, चलिए मैं दिखा देता हूँ एक बार, 2πi लिमिट एस टेंस टू जीरो इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए माइनस का एच और इंटू जेड माइनस ए, यहाँ लिमिट एच है ऑपरेट करा देंगे, एच की जगह जीरो हो जाएगा तो जेड माइनस ए बचेगा, जेड माइनस ए बचेगा, होल स्क्वायर बचेगा। और दोस्तों ये किसका परिभाषा बन गई, ये डेफिनेशन बन गई हमारे पास डेरिवेटिव की, यानी कि एफ डैश ए इट कम्स 1/2πi लिमिट ऑपरेट करा दी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए जीरो और जेड माइनस ए, राइट। चलिए इसको पहले इसको रफ करते हैं। दोस्तों फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है एफ डैश ए इज इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ब्रैकेट बची ए जीरो हो गया और जेड माइनस ए, तो ये हो गया दोस्तों जेड माइनस ए का होल स्क्वायर और साथ में चला डी जेड। तो ये दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला जिसे हमने प्रूफ करना था ये आ गया, इसे लिखेंगे हम, ये लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला सी ए यू सी एच वाई कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव, ये पूरी थ्योरम उतार देंगे और ये नीचे लिख देंगे दोस्तों प्रूफ। तो दोस्तों ये फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था और इसकी हेल्प से दोस्तों अब जो नेक्स्ट डेरिवेटिव आएगा हमारे पास यानी डेरिवेशन आएगा वो भी nth डेरिवेटिव आएगा यानी एफ डैश एन के लिए निकालेंगे हम। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए nth डेरिवेटिव वाला जो फॉर्मूला है वो लेकर आएंगे। दोस्तों हमने अब तक की वीडियो में काफ़ी आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश की है, आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा दोस्तों क्योंकि ये थ्योरम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की जान है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा। दोस्तों आपको लगता है हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए सपोर्ट करिएगा और हम इसी उम्मीद के साथ आपसे अलविदा लेते हैं और जल्द ही हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ हाजिर होंगे। तब तो अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें हमारे चैनल को, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।